सब्सक्राइब करें बस स्टडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस स्टडी टेक। गाइस, विंडोज 10 को वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल वर्जन कहा जाता है अब तक का विंडोज का, और ये एक सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। दिन पे दिन विंडोज 10 यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके सिस्टम की और समय की डिमांड भी है कि अब आप विंडोज 10 यूज करें। आज इस वीडियो में विंडोज 10 का एक ऐसा फीचर आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी मदद से आपके सिस्टम की जो टेम्पररी फाइल्स हैं, रिसाइकल बिन की जो फाइल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम डिलीट होती रहेगी। इसकी वजह से आपका सिस्टम लैग नहीं करेगा। जितनी भी टेम्पररी फाइल्स है, सपोज आप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, तो 7 डेज 15 डेज में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। रिसाइकल बिन की बात करें, सपोज आप फाइल्स डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन में स्टोर होती रहती है, तो सी ड्राइव का स्पेस आपका बढ़ता रहता है, तो ऐसे में रिसाइकल बिन भी ऑटोमेटिकली फ्री होता रहेगा। तो ऐसे में जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं रिसाइकल बिन की, या फिर जितनी भी अनवांटेड फाइल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो वो कैसे होगी, उसके लिए एक सेटिंग आपको अपने सिस्टम में करनी होगी। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। आप चाहे तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इस गियर बटन पे क्लिक करेंगे जो कि सेटिंग का बटन है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये विंडो ओपन होगी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस विंडो में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे, सिस्टम डिवाइस, फोन, नेटवर्क, इंटरनेट। आप सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का। स्टोरेज पे जाएंगे, स्टोरेज पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शंस आएंगे, और सबसे ऊपर आपको मिल रहा है स्टोरेज। आप देख सकते हैं, स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रिड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड, लाइक टेम्पररी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन। तो जस्ट आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करते ही ऑटोमेटिकली आपकी जो टेम्पररी फाइल्स है, रिसाइकल बिन है, वो डिलीट होता रहेगा। लेकिन कितने टाइम पीरियड में डिलीट होना चाहिए, ये आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक नीचे लिंक है, कॉन्फिगर स्टोरेज सेंस और रन इट नाउ। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। सबसे पहले स्टोरेज सेंस देखिए, ठीक है। स्टोरेज सेंस रन ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर लो ऑन डिस्क स्पेस। ये तब रन होगा जब आपका डिस्क स्पेस कम रह जाता है सी ड्राइव का, और यहां पर आपके पास सेंस आता है ड्यूरिंग लो फ्री डिस्क स्पेस, या फिर एवरी मंथ आप इसको रन कर सकते हैं, एवरी वीक, एवरी डे। तो यहां पर ये ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं आपको, जिससे कि ये आपकी चॉइस है। जब आपके सी ड्राइव का स्पेस कम रह जाए, उसके बाद ये इसको क्लियर करे, तो आप यहां पर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूरिंग लो फ्री डिस्क स्पेस। या फिर अगर आप चाहते हैं हर हफ्ते हर दिन ये टास्क फॉलो हो, तो आप एवरी डे कर सकते हैं, एवरी वीक कर सकते हैं, एवरी मंथ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एवरी वीक हम यहाँ पे करते हैं कि हर हफ्ते यहाँ पर जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं, रिसाइकल बिन है, ये क्लियर हो जाएंगे, और इसका काफी इंपैक्ट पड़ता है आपके सिस्टम की स्पीड पर भी। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ रहा है टेम्पररी फाइल्स, डिलीट टेम्पररी फाइल्स दैट माय एप्स आर नॉट यूजिंग, डिलीट फाइल्स इन माय रिसाइकल बिन इफ दे हैव बीन देयर फॉर ओवर। तो आप देख सकते हैं 30 दिन से ज्यादा अगर कोई फाइल पड़ी है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। 14 दिन, एक दिन, यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पे डे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज 14 दिन से जैसे ही ज्यादा होंगे, जो फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी टेम्पररी फाइल्स की, और बाकी स्टोरेज सेंस आपका हर हफ्ते रन हो जाएगा, और आपके सिस्टम में जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं और रिसाइकल बिन में जो फाइल्स हैं, उनको चेकआउट करेगा और ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो ये थी एक स्टोरेज सेंस को कॉन्फिगर करने की सेटिंग, जिसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जस्ट आपका स्टोरेज सेंस यहाँ पर ऑन होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास सेटिंग आती है ऑन होने की, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। तो गाइज, काफी हेल्प मिलती है इस ऑप्शन से विंडोज 10 में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली रन करने में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, देखते रहिए बस स्टडी टेक। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।